एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, वालद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। बीमार शोहर, मुझे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाओ। बीवी हैरत से, वो क्यों? शोहर, रोज़ सुबह सवेरे मुर्गे की तरह उठ जाता हूँ, फिर घोड़े की तरह भाग कर ऑफिस जाता हूँ। वहाँ सारा दिन गधे की तरह काम करता हूँ। बकरे की तरह खाने में सब्जी मिलती है, बिल्ली की तरह बच्चे संभालता हूँ, और फिर रात को भैंस की तरह सो जाता हूँ। मेरे अंदर कौन सी बात इंसानों वाली है? मेहमान आए। मामा ने कहा जाकर मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने पूछा, अंकल खाना खा कर आए हैं या घर जाकर खाएंगे? पता नहीं फिर मुझे मार क्यों पड़ी। टीचर पप्पू से, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू, मिस वो आपकी आवाज़ ही इतनी मीठी है, तभी मुझे नींद आ जाती है। टीचर, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं सो रहे? पप्पू, टीचर वो निकम्मे हैं, आपको सोन ही नहीं रहे। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शोहर, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। किसी शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब होते हो? दर्द की दीवारें हल गईं जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद। बीवी, सही लफ्ज़ जहन्नुम है या जहन्नम? शोहर, तुमको जाने से मतलब है या जबर पेश से? एक छोटा सा बच्चा स्कूल से घर आया, अपनी अम्मी से कहा, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। उसकी अम्मी ने जल्दी से खाना उसके आगे लगा दिया और कहा, जाहिर है पेट में कुछ होगा नहीं तो दर्द तो होगा। शाम को बच्चा होमवर्क कर रहा था, उसके वालद घर में दाखिल हुए और कहा, बेगम मेरे सर में दर्द हो रहा है। बच्चे ने ये सुनते ही कहा, जाहिर है सर में कुछ होगा नहीं तो दर्द तो होगा। बेटी सो रही थी और माँ धीरे से आई और गाल सहलाया, फिर खींच कर थप्पड़ मारा और कहा, नालायक व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 2 मिनट पहले का है, उठ पोचा लगा। शोहर, अगर ऑपरेशन से मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसी डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शोहर, तो क्या मैं डॉक्टर को माफ़ कर दूं? शोहर ने स्टेटस दिया, परिंदा बनकर उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। बीवी का कमेंट आया, ज़मीन पे आते ही दूध, पैंपर, प्याज, टमाटर और धनिया भी ले आना।